इस चैप्टर में हम लोग, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग अपने भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, कब जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, उसमें अगली जो कड़ी आती है वो आती है कि अंग्रेजों के समय पर जो हमारे देश में औद्योगिकीकरण था उसकी क्या हालत थी, जो उद्योग थे उनकी क्या हालत थी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कृषि की बात की थी, खेती की बात की थी, अब उद्योगों की स्थिति कैसी रही है उस समय पर, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आती है वी औद्योगिकरण। ये देखिए वी औद्योगिकरण, इसका मतलब क्या होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। तो औद्योगिकरण का एकदम उल्टा, इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण वी औद्योगिकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है कि जहां पर मेन आर्थिक जो भी काम काज हो रहा था वो खेती को छोड़कर के कोई उद्योग बनने लगे, है ना, जैसे कल कारखाने आ गए, फैक्ट्रीज आ गई, इनमें काम होने लगा, उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिकरण। और उल्टा होने लगे जहां पर ये इस तरह के काम चल रहे थे और वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वी औद्योगिकरण। तो अंग्रेजों की भारत में उद्योगों की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी थी ना, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही थी, उसका सबसे बड़ा जो बोला जाए कि एक लाइन में आप बताओ कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भारत में वी औद्योगिकरण किया, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, भारत के उद्योगों को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया, तो उसमें उनकी जो ओवरऑल पॉलिसी थी उसमें क्या होता था कि हमेशा ही उनको अंग्रेजों को अपने यहां की फैक्ट्रीज को फायदा पहुंचाना है। और इसमें दो चीजें आती थी, नोट कर लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग कभी नोट्स की चिंता मत करिएगा। हम लोग जब पूरे वीडियोस कंप्लीट करते हैं ना हर चैप्टर के, उसकी पूरी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी और साथ में रिवीजन के टाइम पर भी आपको नोट्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार दो तीन बार करते हैं तो आपको अच्छे से याद भी हो जाता है, समझ भी बढ़ जाती है। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने क्या किया, उनकी जो भी पॉलिसी थी उसमें दो चीजें थी बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली ये थी कि भारत को ऐसा बना दो कि भारत सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल बेच पाए, आपका कपास है, नील है, जूट है, जो कुछ भी करना है भारत से आप अंग्रेजों के उनका देश में ले जाओ और उनके देश में उसी की फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी कामकाज होगा, और जो बना बनाया माल है, जो रेडीमेड माल है, वो वापस से फिर से भारत में बेचो। मतलब भारत को क्या कर दो, भारत को सिर्फ कच्चा माल बनाने वाला रखो, एक किसान है, पूरे देश को सिर्फ एक किसान बना दो। ठीक है, और किसान के कोई यहाँ पर अपमान की बात नहीं है, लेकिन बात है कि किसान अगर भारत सिर्फ किसान रहेगा और दूसरे के द्वारा बनाएगा सामान खरीदेगा तो भारत हमेशा ही गरीब रहेगा। किसान होने के साथ साथ भारत में उद्योगों की भी जरूरत थी और इन लोगों ने पूरी पॉलिसी में यही काम किया कि कैसे 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 ये काम किया जाए। हम लोगों ने जब अपने पहले वीडियो में बात की थी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था संक्षेप में कि किस तरह से ढाका, क्योंकि पहले पूरा बंगाल अपना ही देश का हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में जब 1947 में विभाजन हुआ तो बंगाल का एक हिस्सा बांग्लादेश चला गया पाकिस्तान के पास, और उसके बाद से फिर एक हिस्सा जो पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान था जिसमें पंजाब का क्षेत्र आता था, सिंध का आता था, हम लोग के जनगण मन में सिंध अभी भी आता है, तो वो जो सिंध का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया था, और फिर उधर बलूचिस्तान है, वो सारी चीजें हटा दीजिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ढाका में जो इंडस्ट्री हुआ करती थी हथकरघा की, ये अपने जो कारीगर थे वो बहुत ही अच्छा काम किया करते थे, वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी, और भारत के शिल्पकार इनकी भी बहुत अच्छी पूरे दुनिया में पहचान थी, ये कुछ भी काम करते थे पूरा हाथों हाथ बिक जाया करता था। और हुआ क्या, जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने विवश कर दिया किसानों को, उनसे पूरा पूरा जो भी लगान लिया करते थे जमींदारों के द्वारा, जो हम लोगों ने पहले बात की थी, और जो उद्योग थे अब उनके लिए वहां पर सामान बचता नहीं था, साथ में फैक्ट्रीज में काम चल रहा है कहां पर, इंग्लैंड में, और वहां से जो सस्ता माल है वो भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है, तो जो भारत में काम करने वाले लोग थे वो बेचारे बेरोजगार होने लगे, और धीरे धीरे बेरोजगारी बहुत बढ़ती चली गई। क्यों, क्योंकि भारत में जो उद्योग था हथकरघा का, शिल्पकार का, वो सारे काम धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो इसलिए जो पहली पहली बात आती है अंग्रेजों के भारत में रहने की, जहां पर उद्योगों में उनका क्या प्रभाव पड़ा उसकी, तो पहला चीज निकल करके आती है वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, इसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब दूसरी बात आती है कि जब भारत में हमारा 1857 में एक प्रथम स्वाधीनता संग्राम जिसको बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोलते हैं, उसको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 1857 में हमारे यहाँ पर क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरोध में, उसमें कई कमियां भी थी क्योंकि वो राजा लोग फिर से राजशाही स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, वहां पर लोकतंत्र की कोई बात नहीं थी और साथ में पूरा देश एक साथ नहीं था। आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारा जो कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ पर मेरठ है, मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे ने बलिया में, जो अपने बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने क्रांति को स्टार्ट करने की बात आती है, लेकिन ये जब पूरी लड़ाई चल रही थी तो भारत के ही जो ये दो तीन प्रेसिडेंसी उनकी टोटल हुआ करती थी, जिसमें से एक चेन्नई में हुआ करती थी मद्रास की, और एक हुआ करती थी अपने बॉम्बे में,
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के ही भारतीयों ने उसको दबाने की में अंग्रेजों की मदद की थी। तो इस तरह से वो पूरे भारत की क्रांति तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या था कि अंग्रेजों की जो महारानी थी उनका सीधा सीधा राज भारत में स्थापित हो गया था। उसके पहले बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, फिर उनका शासन हो गया था। तो उनके शासन के बाद में ही कुछ कुछ जगह पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होने लगा था कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज भारत में बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई थी, 1600 में आ गई थी, तो लगभग 250 साल हो गए थे तब तक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहा। हालांकि 1757 के बाद से मेन डीइंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, ये 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अब बहुत सारे लोग हमको ये समझ में नहीं आता, जब हम लोग लिखते हैं 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तो अच्छा ये क्या होता है, पहले तो ये बताइए 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या हो गया, 1900 से लेकर के 1950 ये हुआ, या फिर क्या हुआ 1850 से लेकर के 1900 तक, या क्या हुआ 1801 से लेकर के 1850 तक, या फिर क्या हुआ 1950 से लेकर के 2000 तक, कौन से सन की बात की जा रही है बताइए। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो फिर आप 19वीं साल में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो 18 साल के आप हुए हैं यानी कि 18 से ज्यादा हो रहे हो तब आप 19वीं साल में चल रहे हो, ऐसे ही शताब्दी के बारे में होता है। तो यानी कि 1800 से जब ज्यादा हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे उसको 19वीं शताब्दी, तो जब 1801 चल रहा है तो 1801 साल है लेकिन शताब्दी कौन सी है 19वीं। अब 19वीं शताब्दी में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है फर्स्ट हाफ, एक होता है सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्वार्ध, क्या बोलते हैं पूर्व अर्ध, मतलब पहले का जो आधा हिस्सा है। अब शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100 साल होते हैं, तो 1801 से जो 1850 की बात होगी ना वो हो जाएगा 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और 1850 से 1900 तक की जो बात होगी वो होगा 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्यों, क्योंकि उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद भी होता है, ठीक है, उत्तर के बहुत सारे अर्थ है, एक तो उत्तर दिशा है, फिर प्रश्न का उत्तर देने वाला भी उत्तर है, और उत्तर का एक अर्थ होता है बाद, ठीक है। तो उत्तर और अर्ध मतलब इसका बाद वाला जो आधा हिस्सा है, अब 100 साल में बाद वाला आधा हिस्सा कब से आएगा, 1850 के बाद का जो हिस्सा होगा ना वो आ जाएगा। तो इस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब हम लोग बोलते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना। तो कई बार इस तरह से लोग पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, तो वो टाइमलाइंस क्लियर रहनी चाहिए। तो ये हुआ क्या था कि 1857 का जब युद्ध हो गया उसके बाद से धीरे धीरे भारत में दो तरह की इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई, और पहली इंडस्ट्री कौन सी आई थी, सूती वस्त्रों की, और साथ में पटसन की भी। अब पटसन से मुझे एक और कहानी याद आती है, आपको कभी सुनाऊंगा, शायद अभी समय मिलेगा अगर इस वीडियो में तो मैं सुनाऊंगा आपको। सूती वस्त्र जो भी इंडस्ट्री थी ना वो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में दो राज्य आते हैं, एक है महाराष्ट्र और एक है गुजरात। और उस टाइम पर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि देश की आजादी के समय पर भी गुजरात एक अलग वो नहीं हुआ करता था, राज्य नहीं हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट बोला करते थे, और जिसमें गुजरात का भी बहुत हिस्सा आता था और महाराष्ट्र का भी काफी हिस्सा आता था। पूरा ही नक्शा अलग हुआ करता था राज्यों के हिसाब से, देश के स्तर पर अलग नहीं था लेकिन राज्यों का अलग अलग पूरा नक्शा हुआ करता था। तो उस समय वो जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र था वहां पर इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई थी, वहां पर उद्योग लगना स्टार्ट हो गए थे, और किसके, सूती वस्त्र के। और अहमदाबाद को बोला जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में शहर हुआ करता था जहां पर सूती की बहुत सारी मिल्स आ गई थी अचानक से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, ठीक। और भारत में अहमदाबाद में बहुत अच्छे से काम चलने लगा था, तो भारत में अहमदाबाद को बोला जाता था क्या, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और साथ में मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी, किसकी, तो मुंबई और अहमदाबाद ये दो सेंटर्स बन गए थे, ठीक है। और ये दोनों सेंटर्स कहां पड़ते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो फैक्ट्रीज थी वो भारतीयों के थी, वहां पर जो भारत के लोग थे, जो भारत के उद्यमी थे, उन लोगों की फैक्ट्रीज थी। और इसीलिए एक और बात समझ लीजिए कि महाराष्ट्र और गुजरात ऐतिहासिक दृष्टि से उद्यमी लोग वहां पर रहे हैं, और साथ में वहां पर ज्यादा पैसा भी रहा है। तो आज भी भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे बड़ी इकोनॉमी कहां की है, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र नंबर एक पर है, सबसे बड़ा राज्य है अर्थव्यवस्था के मामले में, जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो राजस्थान है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सूती वस्त्र की जो इंडस्ट्रीज लगाई गई थी वो कहां लगाई गई थी, महाराष्ट्र और गुजरात में, और वो किसकी थी, भारतीय उद्यमियों की। अब दूसरी इंडस्ट्री थी जिसको बोला जाता था गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर मतलब सुनहरा धागा, किसको, जूट को। आपने देखा होगा ना कि जहां पर बोरे बनते हैं हम लोगों के यहां पर जिसमें अनाज रखा जाता था वो सब जूट का बना करता था, किसका, जूट का। और जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना तो उस तरह के जूट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, क्यों, सेना के बहुत सारे ऐसे संसाधन हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे,
तो उनको स्टोर करने का जो काम होता था उनको रखा किस में जाए, तो जूट में रखा जाता था। और जूट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बंगाल में होता था। और हमारे यहाँ का जूट जो है बाकी जगह पर होता ही नहीं, उसके लिए अलग तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पानी में पहले सड़ाया जाता है, उसकी प्रोसेस भी बहुत अच्छी होती है, कभी उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस पर क्या होता है कि जूट जो है ना वो हमारे यहाँ का एकदम मस्त बहुत बढ़िया इंडस्ट्री थी, और लेकिन उसमें बात यह थी कि वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी विदेशी उद्यमों ने स्टार्ट की थी, तो उसमें विदेशियों का पैसा लगा हुआ था, उसमें भारत को फायदा नहीं होता था। और वो जूट इंडस्ट्री में काफी बड़ा हिस्सा जो बांग्लादेश का है वो तो आज भारत से अलग हो चुका है, साथ में फिर पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां पर जूट का काम किया जाता था। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये तो था पश्चिमी क्षेत्र में और बंगाल है हमारे देश के पूर्व क्षेत्र में। तो आप भारत का मैप देखोगे ना, भारत का नक्शा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल तो पूर्वी क्षेत्र में है और पश्चिमी क्षेत्र में हमारा क्या है, क्या है पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र में भारतीय उद्यमी थे और बंगाल में विदेशी उद्यमियों ने स्टार्ट किया था। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या आ गया, अच्छा ये हो गई। अच्छा पटसन की मैं कहानी सुनाता हूं आपको। तो पटसन की कहानी में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, एक हिस्सा था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और एक हिस्सा था आपका पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, बांग्लादेश अलग क्यों बना, बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण यह था कि पाकिस्तान ने अपनी एक भाषा को पूरे देश पर थोपने की गलती की। उन्होंने कहा कि सारे लोग उर्दू में, जो भी वहां के एग्जामिनेशन से, जैसे इंडिया में भारत में आईएएस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो कई लोग अलग अलग भाषा में दे सकते हैं। वहां पर उन्होंने बोला नहीं, अब उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भी हमारी आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है, तो सारे एग्जामिनेशन आप उर्दू में दोगे। तो वहां पर तो बंगाली बोलने वाले लोग रहते थे, उन लोगों को गुस्सा आ गया। ऐसे ही उन्होंने दूसरी गलती क्या की, दूसरी गलती ये की कि जो बांग्लादेश है उसकी जमीन बहुत ही अच्छी है, कैसे ब्रह्मपुत्र आ जाती है दूसरी तरफ से भारत की और जैसे आती है गंगा, तो वहां पर नदियों ने पूरी मिट्टी बनाई हुई है, तो साल के तीन सीजन होते हैं, तीन के तीनों सीजन वहां पर खेती होती है, तो चावल की और जूट की बहुत अच्छी खेती होती है पूरे साल, क्योंकि जमीन इतनी बढ़िया है, एकदम दोमट मिट्टी है बहुत अच्छी, तो इस वजह से वहां की उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी थी इस मिट्टी की। तो जो पूरा काम होता था बांग्लादेश में वो पैसा बांग्लादेश लेकर के आता था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, और पूरा का पूरा पैसा खर्च किया जाता था कहां पर, पश्चिमी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान में एक नई राजधानी बनाई गई, इस्लामाबाद, है ना, पहले इस्लामाबाद नाम का कोई शहर था नहीं, एक नई राजधानी बनाई गई क्योंकि वहां पर वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले वहां के लोग हुआ करते थे। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता हुए, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुए, जिन्होंने एक कार भी लोन पर खरीदी, और वहां के लोग बड़े बड़े सूट पहन करके बहुत रंगबाजी में रहा करते थे कि अरे हमसे तो बड़ा कोई है नहीं, और उन्होंने अपने ही देश के उन लोगों के पैसे अपने यहां पर लगाने, कहां पर लगाए, पूर्वी पाकिस्तान के पैसे पश्चिम पाकिस्तान में लगाए। तो उससे हुआ क्या, उसमें एक साहित्यकार होता है पूर्वी पाकिस्तान का जो पश्चिम पाकिस्तान में घूमने के लिए जाता है, तो वो देखता है यार कि जो समय का आज का बांग्लादेश है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, तो वो देखता है कि यार यहाँ पे तो हालत बड़ी खराब चल रही है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, लोगों में गरीबी है, रोड अच्छी नहीं है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, वो सारी चीजें खराब है। और पाकिस्तान में जब वो इस्लामाबाद देखता है तो नई नई राजधानी बनी है, रोड खूब बड़ी बड़ी है, चौड़ी रोड है, तो उसको लगता है यार ये तो इतनी अच्छी जगह है, कहाँ पर मैं आ गया हूँ। वो ऐसे अपनी कविता में लिखता है, और उसी में लिखता है कि जब मैंने ये सब इतना अच्छा देखा तो मेरा मन किया कि इसको मैं सजदा कर दूं। जो हमारे मुस्लिम धर्म के भाई बहन लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सजदा करते हैं, तो ऐसे करके जमीन को झुक करके ऐसे प्रणाम करते हैं अपने अल्लाह को, जो आपकी मक्का है उस दिशा में। तो कहता कि मेरा सजदा करने का मन कर गया क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा इस्लामाबाद। और जैसे ही मैंने सजदा करना शुरू किया तो हुआ क्या, मुझे उससे पटसन की खुशबू आई, जूट की खुशबू आई, उसी जूट की, किस जूट की, जो पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करता था। और उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा इसलिए बोला कि पैसे तो आप हम लोग बना रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है पश्चिमी पाकिस्तान में। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग क्यों हो गया। ठीक है, तो यह मैंने आपको कहानी इसलिए बता दी, इससे आपको समझ में आ जाएगा, भूलोगे भी नहीं कि हाँ पटसन की बात की थी तो पूर्वी भारत से की गई थी, पूर्वी भारत से ही बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश जो है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, फिर बाद में बांग्लादेश बन गया था, है ना। तो ये भी एक उसका एस्पेक्ट था कि देश को क्या क्या किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप एक जगह के से बहुत सारे पैसा कमाए जाने वालों का दूसरी जगह पर लगा दोगे तो देश का विभाजन भी होने लग जाता है, जो पाकिस्तान के जीते जागते उदाहरण से हमको दिखाई पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।